नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 21 दिसंबर 2013। आज का विषय है एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर को क्रिएटर्स, माय डियर ब्रह्मदेवर्स, हम सब मास्टर हैं, हम सब मित्र हैं, हम सब सह सृष्टि करता हैं। हम यहाँ वृंदावन बनाने आए हैं। मित्रता हमारा ध्येय है। हम तरह तरह से सृष्टि करते हैं, जैसे सितार वादक संजय किंगी, कल्याणी राग, मालकौंस राग अलग अलग तरह से बजाते हैं, प्रतिदिन नई सृष्टि करते हैं। ये राग अच्छा है कि वो राग अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। जब राग बजाते हैं तो कभी कभी अपस्वर आ जाता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन दोनों स्थितियां महान हैं। किसका चेहरा महान है, संजय किंगी का चेहरा या मेरा चेहरा? दोनों का ही चेहरा महान है, यही आध्यात्मिक सत्य है। बच्चा महान है कि बूढ़ा महान है? रात्रि महान है कि दिन महान है? ग्रीष्म ऋतु महान है या शरद ऋतु महान है? तबला महान है कि मृदंग महान है? तेलुगु महान है या अंग्रेजी महान है? आध्यात्मिक विज्ञान में महान सत्य है कि हर चीज महान है। आप भी महान हैं, मैं भी महान हूँ। पूर्ण मधा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदुच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज हम इस महान सत्य को जानेंगे। हर एक को ये समझना है, पूर्ण मधा मैं भी पूर्ण हूँ, पूर्ण मिदम तुम भी पूर्ण हो, वह भी पूर्ण है। अंग्रेजी भाषा पूर्ण है, तेलुगु भाषा भी पूर्ण है, पाकिस्तान पूर्ण है, हिंदुस्तान पूर्ण है, ये महान सत्य है। पर लोक भी पूर्ण है, ये लोक भी पूर्ण है। परलोक पूर्ण है कि ये लोक पूर्ण नहीं है, ऐसा सोचना बिल्कुल सत्य नहीं है। यू कैन नॉट गो टू अदर ट्रूथ। एवरीथिंग इज ट्रूथ, एवरीथिंग इज फुल, एवरीथिंग इज पूर्णम, देयर इज नथिंग विच इज अपूर्णम, देयर इज नथिंग विच इज लेस देन पूर्णम, देयर इज नो वे। कुछ भी अपूर्ण नहीं है, हर चीज पूर्ण है। स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा भी पूर्ण है और ध्यान महाचक्र में आने वाला भी पूर्ण है। जन्म महान है या मृत्यु महान है? ये लोक महान है कि परलोक महान है? मान महान है या अपमान महान है? पूर्ण मधा मैं भी पूर्ण हूँ, पूर्ण मिदम तुम भी पूर्ण हो, कल भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण है, सभी ऋतुएं पूर्ण हैं, रात्रि पूर्ण है, दिन भी पूर्ण है, वसंत ऋतु भी पूर्ण है, शिशिर ऋतु भी पूर्ण है, ग्रीष्म ऋतु भी पूर्ण है। आप कहाँ पर कम हो? ऐसा कौन सा समय है जब आप पूर्ण से कम हो? ऐसा कभी भी नहीं होता जब आप पूर्ण नहीं हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप आध्यात्मिकता को समझ जाते हैं। जब आप दूसरों को ये सिखाते हैं तो आप उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान सिखाते हैं। मुक्ति आने पर हमको पता चलता है कि मैं तो जन्म से ही मुक्त था, ये तो कहानी है। मरने पर जान जाता है कि मैं तो मरा ही नहीं, तब तक मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ करके सोचता रहता है और मरने पर
वह जान जाता है कि मैं तो मरा ही नहीं हूं। क्या सत्य है, जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक दुख में रहता है, तब तक मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए यही कहता है। और मुक्ति आने पर वह जान जाता है कि शुरुआत से ही मैं मुक्त था। मुक्ति नहीं है तो दुख है। ओम पूर्णमिदम्। हर परिस्थिति में हम पूर्ण हैं, तो आत्मज्ञान का प्रश्न ही कहाँ है। आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। ठोस से तरल, तरल से गैस, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। हमेशा आप वही हो, अलग अलग व्यवस्था के प्ररूप हैं, परिवर्तन की अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन अपूर्णता कहीं भी नहीं है। एक बीज से वृक्ष आता है, बीज भी पूर्ण है, वृक्ष भी पूर्ण है, उस वृक्ष से निकले सभी बीज भी पूर्ण हैं। किसी भी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण ही रहते हो। एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है, जैसे माँ से बच्चा आता है, माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे आने पर भी माँ हमेशा पूर्ण ही रहती है और बच्चे भी पूर्ण हैं। आदि पूर्ण है, मध्य पूर्ण है, ये लोग पूर्ण है, वो लोग पूर्ण है। हर प्राणी पूर्ण है, भिन्न भिन्न तरह की पूर्णता है। बाल्यावस्था भी पूर्ण है, कुमारे भी पूर्ण है। एक माँ के गर्भ से 100 बच्चे आने पर भी माँ भी पूर्ण है, बच्चे भी पूर्ण हैं। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण आने पर दोनों ही पूर्ण हैं। एक छोटा बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है, ये सहज है और गिरते हुए भी वह सीखता है। ये सहज है और गिरते हुए ही वह सीखता है। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया है। जब हम संगीत सीखना शुरू करते हैं तो अपस्वर ही निकलते हैं, ये सही भी है और स्वाभाविक भी है। प्रकृति नेचर सदा पूर्ण है, हम भी प्रकृति हैं, हम भी पूर्ण हैं। प्रवीणता की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर हर अवस्था में हम पूर्ण ही हैं। जिस प्रकार प्रकृति हमेशा पूर्ण है, पूर्णता से सूर्य उदय होता है, उस समय हम उसकी सुंदरता को निहारते हैं। लेकिन थोड़े घंटों बाद जब सूर्य ऊपर आ जाता है तो क्या हम उसको पूर्ण नहीं बोलते, अच्छा नहीं कहते? तब भी वो पूर्ण है। चंद्र हर दिन घटता बढ़ता रहता है, क्या वो पूर्ण नहीं है, या हम उसे अच्छा नहीं कहते? हर अवस्था में हर चीज पूर्ण है। मैं भी पूर्ण हूँ, आप भी पूर्ण हैं, सारी सृष्टि पूर्ण ही है। एक सितार वादक था। एक दिन कार्यक्रम में उसने बहुत अच्छा संगीत बजाया, लोगों ने बहुत वाह वाह की। उसी रात उसकी माता की मृत्यु हो गई। अगले दिन के कार्यक्रम में जब उसने संगीत बजाया तो लोगों ने कहा, आज उतना अच्छा संगीत नहीं बजाया। किसी को ये नहीं पता था कि रात को उसकी माता की मृत्यु हो गई है और वह बहुत दुखी है। इतने दुख में भी वह संगीत बजा रहा है। दुखी होने के कारण संगीत में अपस्वर आ गए हैं, फिर भी बजा रहा है। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानी ऐसा सोचता है कि कितना महान है, इतने दुख में भी बजा रहा है। रात को उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, उसके राग में अपस्वर आ गए हैं, पर इतने दुख में भी वह बजा रहा है। लेकिन ये अपूर्णता भी पूर्ण ही है। कल भी वह पूर्ण था, आज भी वह पूर्ण है,
लोग ये नहीं जानते कि इतने दुख में भी बजा रहा है। इसी तरह जीवन को समझना भी मुश्किल है। हमें लगता है हमने सब समझ लिया है, पर हमने अभी खुद को ही नहीं समझा। हम हमेशा कहते हैं कि दूसरा गलत है, लेकिन वह अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। जो ऐसा समझता है वह सत्य को जान गया है। हर अवस्था में हर चीज़ पूर्ण ही है। हम घर पर टीवी में मैच देखते हैं और बैठे बैठे कमेंट करते हैं। हमें पिच के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम हर समय 6 रन की बात करते हैं। कल पिच अलग थी, आज पिच अलग है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, पर हम मूल्यांकन करते रहते हैं। इसी तरह जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, पर हर स्थिति में आप पूर्ण ही हो। संगीतकार की माता की मृत्यु हो गई, इस वजह से उसने अच्छा संगीत नहीं बजाया। हमें संदर्भ पता होना ही चाहिए, उसके बिना हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के तौर पर, मेरे पेट में दर्द है, क्या किसी को पता है? फिर भी मैं बजा रहा हूँ। मेरे पेट का दर्द आपको नहीं पता, पर मैं फिर भी खुशी से बजा रहा हूँ। ऐसा है नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मानव जीवन एक चक्रवात साइक्लोन की भांति है। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलें आती ही रहती हैं। रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था। लोग सोचते हैं उन्होंने बहुत पाप किया होगा, मगर ऐसा नहीं है। परिस्थितियों का फर्क है, वे पहले भी पूर्ण थे, अब भी पूर्ण हैं। कैंसर से पहले भी वे पूर्ण थे, कैंसर के बाद भी पूर्ण हैं। ध्यान से पहले भी हम पूर्ण हैं, ध्यान के बाद भी पूर्ण हैं। आत्मा अखंड पूर्णता की ओर यात्रा करती रहती है। Appearances are deceptive, यानी जो दिखाई दे रहा है वे पूर्ण सत्य नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में हम गलत निष्कर्ष निकालते हैं, जबकि सत्य ये है कि आत्मा हर परिस्थिति में, प्रत्येक अनुभव में पूर्ण ही है, कम या ज़्यादा नहीं है। My dear friends, हम सब पूर्ण ही हैं। हमें खुद की महानता नहीं पता और दूसरों की महानता भी नहीं पता, और हम मूल्यांकन करते हैं। हर परिस्थिति में शांति से जीना है। अशांति किस लिए है? हर परिस्थिति पूर्ण है, आसान हो या मुश्किल। सत्य को तो समझना ही है। अंशात्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, माँ पूर्ण है, बच्चा पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। ये महान सत्य है, और जब ये सत्य समझ आ गया तो शांति ही शांति है। हमने पहला सूत्र समझा, हम सब सह सृष्टि करता है। दूसरा सूत्र, हम वृंदावन बनाने आए हैं। और तीसरा सूत्र, हर अवस्था में हम पूर्ण ही हैं। एकांत में भी पूर्ण है, वृंदावन में भी पूर्ण है। अपूर्ण समझना ही असत्य है। असत्य में जीना आध्यात्मिक शास्त्र नहीं है, सत्य में जीना ही आध्यात्मिक शास्त्र है। सत्य क्या है? हर चीज हर अवस्था में पूर्ण ही है। पिछले जन्म में जो राजा था, इस जन्म में भिखारी है। इस जन्म में जो भिखारी है, पिछले जन्म में राजा था, तब भी पूर्ण था, अब भी पूर्ण है। ये भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, तब शांति ही शांति है। Therefore, this is the truth equation. यही सत्य का समीकरण है। हर चीज हर अवस्था में पूर्ण है। हम पूर्ण हैं, इसलिए ओम शांति शांति शांति।
यही आत्मज्ञान है, यही आत्मविज्ञान है। हम हर अवस्था में पूर्ण हैं, यही सत्य है। रावण भी पूर्ण है, कृष्ण भी पूर्ण है, हरि प्रसाद चौरसिया जी भी पूर्ण है, संगीत में, बांसुरी वादन में वो पूर्ण है। मैंने अभ्यास नहीं किया, उन्होंने बहुत अभ्यास किया। सब में महानता देखना ही आध्यात्मिकता है। क्यों रो रहे हो, अशांति में क्यों हो? इसलिए शांति शांति शांति। आत्मबोध मिलने पर हम जान जाते हैं कि मैं कभी भी अपूर्ण नहीं था, हमेशा पूर्ण ही था। यही जानना ही आत्मबोध है। क्या ये सत्य जानना मुश्किल है? क्या इस सत्य को निगलना मुश्किल है? आसान लगे या कठिन लगे, सत्य तो सत्य ही है। हम हर अवस्था में पूर्ण ही हैं। आइए दोस्तों, आज के इस विषय को थोड़ा खुले दिमाग से समझते हैं। पत्री जी ने तो बहुत उदाहरण देके सरल और सहज तरीके से इस पूरे विषय को खोल दिया, लेकिन उसके लिए, उसे ग्रहण करने के लिए हमारा दिमाग भी खुलना चाहिए, तभी वो विषय हमारे अंदर प्रवेश करेगा। क्योंकि हम हर समय खुद को अपूर्ण समझते हैं कि हम कम हैं, हम ठीक नहीं हैं, हम गलतियाँ करते हैं, हम सीखने में भूल करते हैं, और उस बात को लेकर हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, हमारी शांति भंग हो जाती है। हम रातों रात पूर्ण होने का प्रयास करते हैं, लेकिन पत्री जी हमें बता रहे हैं कि ये प्रवीणता की अवस्थाएं हैं। जब हम सीखना शुरू करते हैं, एक अवस्था है, गलतियां करते हैं, भूल होती है, अपस्वर आते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, कुछ भी सीखें। अगर हम खाना बनाना, एक रोटी बनाना भी शुरू करते हैं तो पहली बार में पूरी सही नहीं बनती है। सब्जी बनाते हैं, पहली बार में पूरी तरह सही नहीं बनती, लेकिन वो सीखने की प्रक्रिया है। गलतियां करना सहज है, लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं करते और हम चिंता करने लग जाते हैं और अपनी शांति को भंग करते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करते हैं कि वो तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और हमारी शांति भंग हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि हर अवस्था में सीखने से के समय, सीखते हुए, सीखने के बाद हम पूर्ण ही हैं। जिस अवस्था में हम जब हैं, उस अवस्था में हम पूर्ण हैं। जैसे पत्री जी ने हमें सूर्य उदय का उदाहरण दिया। सूर्य उदय हमें कितना सुंदर लगता है, सूर्य अस्त कितना सुंदर लगता है, और जब सूर्य अपने पूरे जोर में होता है, पूरे प्रकाश के साथ धरती पर जगमगाता है, तो क्या हम कहते हैं कि अभी पूर्ण नहीं है, या सुबह पूर्ण था या शाम को पूर्ण नहीं होगा? हर अवस्था में, पूरे दिन में जब सूर्य चलता रहता है तो हम पूर्ण ही कहते हैं। चंद्रमा है, पूर्णिमा से अमावस्या तक यात्रा करता है, हर अवस्था में वो पूर्ण है। एक आत्मा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई अवस्थाओं से गुजरती है, लेकिन कभी हम बातचीत में ऐसा नहीं कहते कि भी बच्चा अपूर्ण है, बड़ा होगा तो पूर्ण होगा। बचपन के हिसाब से, उस अवस्था के हिसाब से अभी भी वो पूर्ण है। जब वो जवान होगा तब भी वो पूर्ण होगा, और जब बुढ़ापा आएगा उस अवस्था में भी वो पूर्ण है। लेकिन हमें कभी भी ऐसी बातें बताई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती। हमेशा हमें अपनी तुलना दूसरों से करना सिखाया जाता है, और वो तुलना कर करके और दूसरों का मूल्यांकन करके हम खुद को अशांत करते हैं। हर चीज में हम मूल्यांकन करते हैं, और इस श्लोक के माध्यम से भी यही हमें बताया गया है, यही हमें समझाया है पत्री जी ने, कि ये ग्रंथों में भी यही ज्ञान दिया गया है कि हर अवस्था में आप पूर्ण ही हो, कम कभी भी नहीं हो। तो हमें उस पूर्णता को जानना है, यही आध्यात्मिक विज्ञान है। स्वयं अपनी पूर्णता को पहचाने और दूसरों को उनकी महानता, उनकी पूर्णता जाने में मदद करें, तो हम दूसरों को आध्यात्मिक विज्ञान सिखा रहे हैं। क्या हम ऐसा करते हैं?
क्या घर परिवार में ऐसा करते हैं? हम हमेशा दूसरों को यही बताते हैं कि तुम कम हो। हम बच्चों से भी बात करते हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है। हमेशा तुलना करते रहते हैं, उसकी जो शक्ति है उसको और क्षीण कर देते हैं। लेकिन हर अवस्था में हर बच्चा जैसे भी सीख रहा है वो पूर्ण ही है। उस पूर्णता को स्वीकार करना, उस पूर्णता की अवस्था को स्वीकार करना और दूसरों से इस तरह व्यवहार करना कि वो पूर्ण ही हैं, उनका दृष्टिकोण जानना, उस अवस्था में वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वो सीख रहा है, वो अवस्था भी पूर्ण है। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जब वो खाना खाने लगता है वो सीखना चाहता है, वो हमारे हाथ से चम्मच ले लेता है कि मैं खुद खाऊंगा। उसकी चम्मच में एक भी चावल का दाना नहीं आता, लेकिन एक आध दिन में वो सीख जाता है कि कैसे इसको पकड़ना है, कैसे इसको भरना है और कैसे मुंह में डालना है। तो क्या जब वो नहीं कर पा रहा था तो अपूर्ण था? नहीं। अब जब वो कर पा रहा है तो क्या अभी पूर्ण हुआ है? नहीं, दोनों अवस्थाओं में वो पूर्ण ही था। ये समझना बहुत आसान भी है और कठिन भी है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं गया, ऐसी बातें हमें स्कूल कॉलेज में घर में बताई ही नहीं गई। हर व्यक्ति यही कहता है, तुम जैसे हो तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, तुम्हारे नैन नक्श ठीक नहीं है, तुम्हारा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तुम सुंदर नहीं दिखते हो, तुम जो कपड़े पहनते हो वो कपड़े तुम पर जचते नहीं हैं। तो ऐसी बातें सुन सुनकर हम अपने आप को वही समझने लगते हैं कि हर तरफ से हम अपूर्ण ही हैं, हम कहीं से भी पूर्ण नहीं हैं। और हमारे अंदर फिर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है और हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, स्वयं को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन नहीं, आज से हम इसे बदलेंगे। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर अनुभव में आत्मा पूर्ण ही है, क्योंकि जो पूर्ण से उत्पन्न हुआ है, जिसकी उत्पत्ति ही पूर्ण से हुई है, अपूर्ण कैसे हो सकता है? यदि हम ये बात याद रखें कि पूर्ण ने मुझे बनाया है, मुझे बनाने में उस पूर्ण सत्ता के, दिव्य सत्ता के हाथ लगे हैं, और जिसे स्वयं ईश्वर ने बनाया हो वो अपूर्ण कैसे हो सकता है? यदि हम इस बात पर स्वयं को केंद्रित रखें कि मुझे बनाने में उस परम सत्ता के, उस पूर्ण के हाथ लगे हैं, उस पूर्ण ने अपने हाथों से मेरा सृजन किया है, तो अपने आप हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और हम जो धरती पर जन्म लेकर आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, और जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान, हर अवस्था में हम सीखकर आगे बढ़ते ही रहते हैं। आत्मा अखंड यात्रा पर है और इस यात्रा में हर अनुभव से, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, आसपास के वातावरण से, पक्षियों से, वनस्पति जगत से, हर ओर से सीखती है और सीखते हुए आगे बढ़ती रहती है। लेकिन हर अवस्था में आत्मा पूर्ण ही है, कुछ भी कहीं भी अपूर्णता नहीं है। और अपूर्ण समझना यानी हम सत्य से दूर हैं, आध्यात्मिक विज्ञान से दूर हैं। हमें आध्यात्मिक सत्य को समझना है, मैं भी महान हूँ, आप भी महान हैं, जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब कुछ महान है, हाथी भी महान है, चींटी भी महान है। एक नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, वो भी महान है, अपनी अवस्था में वो भी पूर्ण है, सीख रहा है। और एक दसवीं कक्षा में है, अपनी अवस्था में, सीखने की अवस्था में, वो भी पूर्ण है, वो भी महान है। और उससे ऊपर अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो क्या हम कहते हैं कि दसवीं का जो बच्चा है वो अपूर्ण है? नहीं, उस अवस्था में वो जो सीख रहा है वो भी पूर्ण है। तो दोस्तों, थोड़ा अपने दिमाग को खोलें। हम जो हर समय अपने आप को छोटा, कम, हीन समझते हैं,
अपूर्ण समझते हैं, उस माया जाल से, उस भ्रम से बाहर आ जाएं और एक ही बात याद रखें कि हमें बनाने में उस दिव्य सत्ता के हाथ लगे हैं, उसकी ऊर्जा से हम बने हैं, तो हम अपूर्ण नहीं हैं। और यही सत्य जो ग्रंथों में बताया गया है, आज हम उन ग्रंथों को समझ नहीं सकते और पत्री जी हमें हमारी भाषा में खोल खोल कर बता रहे हैं। तो अपने दिमाग को खोलें ताकि ये सत्य हमारे भीतर प्रवेश कर जाए और उस सत्य के साथ हम धरती पर जीवन जिए और अपनी यात्रा को पूर्ण करें, जीवन को धन्य करें। अगली कड़ी में एक दिव्य संदेश के साथ, एक अनूठे विषय के साथ, पत्री जी के ज्ञान के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।